गैस की सप्लाईज के ऊपर इशू आ रहा है, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल यूजर्स पे एक तरफ प्राइसेस में बहुत वॉलिटिलिटी है। मुकेश कुंदरिया, प्रेसिडेंट मोरबी सिरामिक एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि मोरबी एक ऐसा इलाका है जो सिरामिक का हब है हिंदुस्तान का। कभी आपका मौका लगे, डिम्पी आप गए क्या? नहीं, मैं कभी गया नहीं। हम एक स्पेशल शो जरूर करेंगे मुकेश जी के साथ। पहले तो मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और ये एक ऐसा जगह है जो पूरे देश में ही नहीं, सिरामिक्स ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी सप्लाई करता है और वन ऑफ इट्स काइंड जगह। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका की रॉ मटेरियल है सिरामिक्स के, सप्लाईज हमने सुना है डिसरप्ट हो रहे हैं क्योंकि गैस की प्राइसेस में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, मामला क्या है जरा बताएं। ओहो, अच्छा एक काम करिए क्विकली, आप सिरामिक, ओके हाँ मुकेश जी बताइए। Yes. अभी मोरबी सिरामिक में टोटल 800 कंपनियां है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हब है मोरबी सिरामिक में। और जो हमारा मेन की पर्स रॉ मटेरियल है जो फ्यूल है, फ्यूल में आज तक गुजरात गैस में सप्लाई कर रही थी। रिसेंट अभी ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई उसके बाद क्रूड का रेट बढ़ा और इंटरनेशनल गैस का रेट बढ़ा। गुजरात गैस का रेट एक टाइम 75 रुपीज मे मंथ में था पर सीएम, अभी लास्ट उसने 5 रुपया डाउन किया है। लेकिन अभी जो हमारे 150 प्लांट है उसमें प्रोपेन गैस लग गई है। प्रोपेन गैस की टैंक में जो प्रोपेन हम यूज कर रहे हैं वो आईओसी और रिलायंस सप्लाई कर रही है, वो गुजरात गैस से अभी हमें 10 से 12 रुपया पर एसीएम कम पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अभी और मोर 150 प्लांट और लगने जा रहे हैं प्रोपेन में। तो गुजरात गैस का अभी 50% गुजरात गैस से सप्लाई रहा और 50% प्रोपेन का गैस सप्लाई है। और आगे जाके अगर गुजरात गैस ऐसे ही रेट हाई रहा तो 75% प्रोपेन कंज्यूम करेंगे सब। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिस बहुत स्पीड से प्रोपेन की तरफ मूव कर रहे हैं जो आईओसी और रिलायंस सप्लाई करता है, और ये एरिया अभी तक गुजरात गैस की गैस के ऊपर डिपेंडेंट था, और आप बता रहे हैं कि 10 रुपए पर किलो पे ये डिफरेंस है पर क्यूबिक। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस हिसाब से एक माइग्रेशन चालू हुआ है, नेक्स्ट 2-3 महीने में कितना यूसेज आपका प्रोपेन की तरफ मिक्स हो जाएगा शिफ्ट? नेक्स्ट 2-3 महीने में मिनिमम 60% प्रोपेन में सब कन्वर्ट होंगे। शिफ्ट है या, क्योंकि सिरामिक इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है वर्ल्ड वाइड, हम 165 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोरबी सिरामिक की टोटल कंपनी में से पूरा मोरबी का टाइल्स। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाइना के सामने इंटरनेशनल मार्केट में जो फाइट करना है उसके लिए हमारा फ्यूल मेन पार्ट है, 35% हमारा फ्यूल है हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो बहुत ही मायने करता है। तो हमें सस्ता फ्यूल मिले और कॉम्पिटेटिव रेट में मिले उस तरफ से हमें जाना जरूरी रहता है, तो प्रोपेन गैस में उस हिसाब से कन्वर्ट हो रहे हैं सभी। मुकेश जी, तो जैसे अभी अजय बता रहे हैं ये आप परमानेंटली करने वाले हो क्या ऐसे काम, मतलब आप आईओसी से? तो इससे खर्चा नहीं आता है पे कि कंपनी से छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो इससे इसका भी तो खर्चा आता है? खर्चा एक बार इंस्टॉलेशन में जो आता है, टैंक लगाना, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन करना, वो समझ लो 50-60 लाख का पर प्लांट में खर्चा आता है। रात गैस उठ के ये कह दे कि हम 7-8 रुपए दाम घटा रहे हैं, फिर आपको कैसे लगेगा? अभी समझ लो 11-12 रुपए का तो अभी वेरिएशन है रेट में प्रोपेन और गुजरात गैस में। अगर 7 रुपए भी गुजरात गैस ने कम किया फिर भी प्रोपेन नहीं यूज करेंगे। और एक तो समझो अगर गुजरात गैस ने 15 रुपया डाउन किया तो हमारे पास एटलीस्ट 2 ऑप्शन रहेंगे फ्यूल के, हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा गुजरात गैस के ऊपर या कोई सिंगल कंपनी का। ओ, तो आपका यानी एक तरीके से आप ये कह रहे हैं जो सस्ता देगा जो सस्ता देगा, अरे आपका जो यूनिट है वो दोनों यूज कर सकते हैं गैस, आपका फ्लेक्सिबल यूनिट है। यस, कोई में से एक कर सकते हैं। अभी समझ लो गुजरात गैस हम यूज कर रहे हैं तो गुजरात गैस, अगर कल से मैं प्रोपेन करना है तो प्रोपेन, दोनों साथ में नहीं कर सकते। हाँ, मतलब एक बार में एक आप स्विच कर सकते हैं, आपके पास दोनों यूनिट्स है, जिसकी सस्ती बड़ी गैस वो ले ली और उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है सेटअप दोनों का लगेगा, सेटअप दोनों का होगा, जिसकी सस्ती हुई गैस उस समय वो लगा ली ताकि टाइल सस्ती पड़ जाए। निम्बी, लेकिन ये इसमें से जो भी कहिए आप, पहले यहाँ पे मोनोपोली थी गुजरात गैस की इस एरिया में, अब वहां पे आईओसी और आरआईएल भी गैस दे रहे हैं। अगर आप अज्यूम करिए कि नॉर्मलाइज हो जाता है कुछ दिनों में, आधी आधी या 70-30 जो भी रेशियो होता है, तब भी कुछ तो परमानेंट वॉल्यूम डैमेज है ही। और दूसरा आपको, और दूसरा दोनों बड़ी कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज आईओसी, तो इनमें ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए आएंगे बाद में इनको भी दिक्कत होने लगेगी, ऐसा नहीं जी। तो क्लियरली गुजरात गैस का जो 7% का जो डाउनटेक है आपको समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है। अब आपके सिरेमिक के बिजनेस पे आता हूं मुकेश जी, वेरी क्विकली सिरेमिक का बिजनेस कैसा चल रहा है अभी, क्योंकि आप
एक सेंटिमेंट देंगे डिमांड पे, प्राइसिंग, कंपटीशन, मार्जिन्स, एक्सपोर्ट, उसके बारे में एक बार बता के जाइए व्यू। हम एक्सपोर्ट में देखे तो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 6 महीने से जो ये शिपिंग लाइन का रेट है 2 से 2-3 टाइम बढ़ गया, मतलब आज यूएस का जो चल रहा था अभी 3 टाइम बढ़ गया यूएस का शिपिंग लाइन का रेट। तो यूएस में अभी क्या हो रहा है कि लैटिन अमेरिका, ब्राजील में मैन्युफैक्चर प्लांट है, वो लोग लो वहां सप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ से ऑर्डर लेना मुश्किल है हमारे इंडिया से यूएस का। वैसे ही सऊदी का रेट बढ़ गया, सऊदी में एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो हमें बहुत ही मतलब एक्सपोर्ट में झटका लगा है एंटी डंपिंग का और या शिपिंग लाइन का रेट बढ़ने से। और डोमेस्टिक की हम बात करें तो डोमेस्टिक में पिछले 3-4 महीने में एकदम मार्केट स्लैक है, मतलब 60% डिमांड है। ठीक है मुकेश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि हम देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या इस समय क्या फ़र्क पड़ रहा है और उसकी वजह भी क्या है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। असल में ना गुजरात गैस का शेयर टूटा था, इसलिए आपसे हमको संपर्क करके पता करना पड़ा कि देखिए आपका कितना दम है कि वहाँ से मोरबी से अगर गैस थोड़ी भी हट रही है तो शेयर के अंदर कितना तेज़ गिरावट आती हुई देखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।